हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हमारा जो टॉपिक है एंडोर्समेंट, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और उसी तरह ये जो टॉपिक है डैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉरपोरेट लीगल फ्रेमवर्क। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब। दिस लेक्चर इज़ आल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश एट माय सेकंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। सो दिस इज़ माय ऐप एडोसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक्स के यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जब हमने उसको आगे ट्रांसफ़र करना है तो जो जिसके द्वारा हम ट्रांसफ़र करते हैं डैट इज़ नोन एज इंडोर्समेंट। देखो, इंडोर्समेंट का अगर हम सिंपल भाषा के अंदर अर्थ लें तो जो डीड है उसके ऊपर उसके बैक पे कुछ लिखा हुआ है या उसके बैक के अंदर कुछ प्रिंटेड है। और जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, जिसको सेक्शन 15 जो है इंडोर्समेंट को डील करता है, कि जैसे किसी का नाम जो है फेस पे या बैक पे लिखा हुआ है या कोई पेपर इसके साथ अटैच है, और यहाँ पे जो पर्पज़ है कि जो इस इंस्ट्रूमेंट के राइट है वो हमने ट्रांसफ़र करने हैं, तो डैट इज़ नोन एज ए इंडोर्समेंट। तो जब इंडोर्समेंट करनी है तो कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई स्पेसिफिक शब्द यूज़ नहीं किए जाते। जो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करता है, ट्रांसफ़र करता है, उसको हम इंडोर्सर कहते हैं, और जिस व्यक्ति को वो ट्रांसफ़र किया जाता है ही इज़ नोन एज ए इंडोर्सी। अब देखो, जितनी बार मर्जी चाहे इंडोर्समेंट हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा इंडोर्समेंट हो जाती है कि इंस्ट्रूमेंट की फेस पे या बैक पे कोई जगह ही नहीं बचती, तो सेपरेट शीट जो है उसके साथ अटैच कर सकते हैं, जिसको हम अलोंगी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रमिसरी नोट, चेक कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेकिंग इंडोर्समेंट आइदर ऑन द इंस्ट्रूमेंट और सेपरेट पेपर। इसका अर्थ है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रमिसरी नोट है, चेक है, जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो इंस्ट्रूमेंट के फेस पे या बैक पे लिख के या सेपरेट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके। इट मीन्स द राइटिंग ऑफ पर्सन्स नेम अदरवाइज देन इज ए मेकर ऑन द फेस और बैक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या स्लिप ऑफ पेपर जिसको हम अलोंगी कहते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच होती है। और यहाँ पे जो पर्पज़ होता है कि हमने जो इसके अंदर राइट्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, वो ट्रांसफ़र करने हैं। अब क्वेश्चन होता है हु मे इंडोर्स। देखो, जो इंडोर्समेंट है उसको होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, पे जिसको हमने पेमेंट करनी है, मेकर और ड्राइवर जो है उसी सिचुएशन में कर सकते हैं जब वो होल्डर बन जाते हैं। स्ट्रेंजर जो है वो इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स नहीं कर सकता, अगर वो करता है तो ही इज़ नॉट लायबल। वो उसी सिचुएशन के अंदर ही इसको ट्रांसफ़र कर सकता है अगर उसने यहाँ पर गारंटी दी हुई है। और अगर जो है स्ट्रेंजर जो है इंडोर्स करता है तो उसको हम बैकर बोलते हैं। सो दीज आर दी एसेंशियल ऑफ ए वैलिड इंडोर्समेंट। देखो, यहाँ पे जब हम इंडोर्समेंट करते हैं तो डैट शुड बी ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या उसके साथ सेपरेट शीट जो है अटैच होनी चाहिए। देखो, जब भी हमने इंडोर्समेंट करनी है तो ये इंक में होनी चाहिए, पेंसिल या रबर स्टैम्प के साथ इनवैलिड होती है। और यहाँ पे क्या है कि जो इंडोर्समेंट है डैट हैज़ टू बी डन बाय द मेकर और होल्डर बट नॉट बाय द स्ट्रेंजर, इट शुड बी प्रॉपरली साइंड बाय द इंडोर्सर। अगर इलिटरेट पर्सन है, अनएजुकेटेड पर्सन है, तो उसके लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन डैट शुड बी अटेस्टेड और विटनेस्ड। और यहाँ पे देखो, साइनिंग, जैसे हम किसी को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो इंडोर्सर वहाँ पे साइन कर देता है, तो कोई स्पेसिफिक शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बस पार्टी की इंटेंशन अपेयर होनी चाहिए कि ही वांटेड टू इंडोर्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे जो इंडोर्समेंट है तब कम्प्लीट हो जाती है जब इंस्ट्रूमेंट जो है डिलीवर कर दिया जाता है इंडोर्सी को। और उसी तरह यहाँ पे जो इंडोर्समेंट है पूरे अमाउंट की होनी चाहिए, पार्शियल नहीं,
जो है वैलिड है। जैसे मान लो हमारा बिल जो है 5000 का है, तो ये नहीं है कि हमें इंडोर्समेंट पूरे 5000 की करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम कह दें कि 3000 तक कमाओ, तो वो पार्शल जो इंडोर्समेंट है वो इनवैलिड है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ द इंडोर्समेंट और काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट, ब्लैंक और जनरल, स्पेशल और फुल, पार्शल, रिस्ट्रिक्टिव, कंडीशनल। तो वन बाय वन करके हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट, जिसको सेक्शन 16 एंड 54 डील करता है। देखो, ब्लैंक इंडोर्समेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है, जस्ट जो इंडोर्सर होता है वो अपने सिग्नेचर डालता है यहाँ पे। इंडोर्सी का नाम इसके अंदर मेंशन नहीं किया जाता, ओनली जो इंडोर्सर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द ऑर्डर बिकम्स ए बियरर इंस्ट्रूमेंट अगर हम इसकी इंडोर्समेंट जो है ब्लैंक में करते हैं, और इसको हम जस्ट डिलीवरी करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसको बाद में क्या है कि देखो, जो ब्लैंक इंडोर्समेंट है इसको फुल के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे ए ने बी को जो है ब्लैंक इंडोर्स बिल दिया है, तो बी वहाँ पे ए के सिग्नेचर के ऊपर लिख सकता है पे टू सी और ऑर्डर, तो वहाँ पे ये इंडोर्समेंट इन फुल हो जाएगा। स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट, जिसको सेक्शन 16 डील करता है। देखो यहाँ पे जैसे ब्लैंक के अंदर तो क्या होता है कि वो खाली होता है, सिर्फ इंडोर्सर के सिग्नेचर होते हैं, तो यहाँ पे सिग्नेचर भी होते हैं और नेम ऑफ द इंडोर्सी भी होता है। और ये जो इंडोर्समेंट होती है फुल में होती है, क्योंकि ये ब्लैंक इंडोर्सी का नाम नहीं उसमें इसमें लिखा गया होता है। तो जैसे यहाँ पे उसे लिख दिया ए टू पे टू ए और ए इज ऑर्डर, इसका मतलब है कि ए को भुगतान करना है या ए के मुताबिक जो भी वो स्पेसिफाइड पर्सन करता है उसको करना है, और यहाँ पे इंडोर्सर अपने सिग्नेचर डाल देता है। तो ये जो इंडोर्समेंट है इसके अंदर जो इंडोर्सी है वो ही आगे जो है इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडोर्सी का नाम लिखा होता है। और उसी तरह अगर ब्लैंक इंडोर्समेंट है तो उसको फुल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसकी इंडोर्समेंट ब्लैंक के अंदर है वो इसको फुल इंडोर्समेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो वो क्या करेगा कि जो इंडोर्सर के सिग्नेचर है वहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन और हिज ऑर्डर लिख देगा। जैसे ए इज़ द होल्डर ऑफ द बिल, उसको जो इंडोर्समेंट इन ब्लैंक की थी बी ने, तो ए जो है बी के सिग्नेचर के ऊपर लिख देता है पे टू सी और ऑर्डर। तो ए जो है इज़ नॉट लाइबल एज ए इंडोर्सर, बट राइटिंग जो है डैट ऑपरेटेड एज इंस्ट्रूमेंट इज इंडोर्समेंट इन फुल फ्रॉम बी टू सी। उसी तरह व्हेन वेयर द ब्लैंक ट्रांसफ़र इज़ फॉलोड बाय द फुल ट्रांसफ़र, देखो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है डैट रिमेन्स पेबल टू द बेयरर, नेगोशिएबल बाय द डिलीवरी एज अगेंस्ट ऑल द पार्टीज प्रायर टू द इंडोर्सर इन फुल, दो द इंडोर्सर इन फुल इज़ ओनली लाइबल टू द होल्डर हु मेड टाइटल डायरेक्टली थ्रू हिज इंडोर्समेंट एंड द पर्सन डिलीवरिंग टाइटल थ्रू सच होल्डर, जिसको सेक्शन 55 डील करता है। तो इसको इस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ए जो है डैट इज़ द होल्डर ऑफ द बिल, ए जो है बिल को इंडोर्स करता है ब्लैंक के अंदर और बी को डिलीवर कर देता है, बी इसको फुल में कन्वर्ट कर लेता है और वहाँ पे लिख देता है ए के सिग्नेचर से पहले ट्रांसफ़र टू सी, पे टू सी और ऑर्डर टू सी, और सी जो है विदाउट इंडोर्समेंट वो बिल डी को बिल ट्रांसफ़र कर देता है। तो डी जो है ही इज़ द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ही इज़ इंटाइटल टू रिसीव द पेमेंट। तो वहाँ पे वो जो स्यू कर सकता है, ड्रॉयर को कर सकता है, एक्सेप्टर को कर सकता है, ए को कर सकता है जिसने बिल जो है ब्लैंक में इंडोर्स किया है, बट वो बी और सी को बी और सी जो है उनको स्यू नहीं कर सकता। स्पेशल और फुल के अंदर ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता ही दी है। तो अब हम देखते हैं पार्शियल इंडोर्समेंट, जिसको सेक्शन 56 डील करता है। तो देखो पार्शियल इंडोर्समेंट जो है वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। जैसे पूरे बिल का कुछ अमाउंट पेबल है, लाइक वी हैव ए बिल फॉर 1000, ए जो है बी के फेवर में 500 करता है और सी के फेवर में रिमेनिंग 500 करता है, तो ये पार्शियल इंडोर्समेंट है जो कि लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये इनवैलिड है। तो यहाँ पे कोई राइट ऑफ एक्शन नहीं है, ओनली जो इंडोर्सी होता है उसका लियन होता है और वो इस अमाउंट को कलेक्ट कर सकता है, परस्यू नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, जिसको सेक्शन 50 डील करता है। एन इंडोर्समेंट इज सेट टू बी रिस्ट्रिक्टिव जब इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि ये इंस्ट्रूमेंट को फर्दर जो है नेगोशिएट नहीं किया जाएगा, फर्दर इंडोर्स नहीं किया जाएगा।
इस इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर होता है वो पेमेंट को रिसीव कर सकता है, बट इसको फर्दर जो है नेगोशिएट या फर्दर ट्रांसफ़र या इंडोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट है इसके अंदर हमें स्पेसिफिक वर्ड्स जो है लिखने पड़ेंगे। फर्दर ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय दी, मतलब वहाँ पे हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, एक्सप्रेस वर्ड जो है यूज़ करने पड़ेंगे जो इंडिकेट करते हो कि ये रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट है। यहाँ पे जैसे प्रोहिबिट इज द फर्दर नेगोशिएशन ऑफ द बिल फॉर एग्जांपल पे टू ओनली एक्स वाई ओनली, कि यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई को ही पे करना है। तो यहाँ पे जैसे एक्स वाई है तो वो एजेंट ऑफ द इंडोर्सर फॉर ए स्पेशल पर्पज़ है, तो यहाँ पे इंडोर्सी को ही टाइटल दिया गया है, इंटरेस्ट फॉर द यूज़ ऑफ सम अदर पर्सन। कंडीशनल और क्वालिफाइड इंडोर्समेंट, देखो यहाँ पे जो इंडोर्सर है वो कुछ कंडीशंस लगा सकता है, अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर सकता है, जिसकी वजह से इसे क्वालिफाइड और क्वालिफाइड इंडोर्समेंट या कंडीशनल इंडोर्समेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इंडोर्सर है उसकी लाइबिलिटी को लिमिट किया जाता है, बट जो इंस्ट्रूमेंट है वो फर्दर नेगोशिएबल हो सकता है। तो नेगोशिएबिलिटी के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती, जैसे रिस्ट्रिक्टिव के अंदर तो क्या होता है कि उसकी नेगोशिएबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, बट क्वालिफाइड के अंदर क्या होता है कि इंडोर्सर की लाइबिलिटी के ऊपर लिमिट होता है, नेगोशिएबल वो नेगोशिएट किया जा सकता है, फर्दर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और यहाँ पे भी जब कंडीशनल इंडोर्समेंट है तो ये भी स्पेसिफिक शब्द इसके लिए यूज़ करने हैं, जैसे पे और ऑर्डर। यहाँ पे जैसे बेसिकली पे ए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पे ए और हिज ऑर्डर ऑन हिज मैरिंग बी। तो यहाँ पे है कि इसको ए को तब भुगतान करना है जब वो बी के साथ शादी करेगा, पे ए और ऑर्डर ऑन द अराइवल ऑफ द शिप। तो यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि तब भुगतान करना है जब वहाँ पे शिप पहुँचेगा। तो कंडीशनल इंडोर्समेंट के अंदर जो लाइबिलिटी ऑफ द इंडोर्सर है जब वो स्पेसिफाइड इवेंट जो है अगर करता है तभी। तो कंडीशनल और क्वालिफाइड इंडोर्समेंट को हम इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाय सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट, बाय फैकुलेटेटिव इंडोर्समेंट, बाय सेंस फ्राइज इंडोर्समेंट, लाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन कंटिजेंसी। तो ये जो कंडीशनल और क्वालिफाइड है इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट के अंदर देखो यहाँ पे जब होती है जो इंडोर्सी जो है बेसिकली एक्सप्रेसली जो है वो अपनी मतलब क्लियर करता है कि वो जो है अपनी मतलब यहाँ पे टू ए और ऑर्डर सेंस रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो सेंस रिकॉर्ड्स का मतलब है कि ये जो इंडोर्समेंट है दैट इज सेंस रिकॉर्ड्स। तो सेंस रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट के अंदर क्या होता है कि जो इंडोर्सर है वो यहाँ पे अपनी जो स्पेसिफिक शब्दों के साथ अपनी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड करता है, और उसी तरह अगर इंस्ट्रूमेंट जो है डिसऑनर हो जाता है तो अपनी लाइबिलिटी को वो लिमिट करता है टू द इंडोर्सी और एनी सब्सिक्वेंट होल्डर। तो ये जो इंडोर्समेंट है डैट इज़ कॉल्ड सेंस रिकोर्स विदाउट रिकोर्स, जैसे पे टू ए और जो है ऑर्डर सेंस रिकोर्स। यहाँ पे देखो स्पेसिफिक शब्द यूज़ किए गए हैं, पे टू ए और ऑर्डर विदाउट रिकोर्स टू मी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया तो जो सब्सिक्वेंट होल्डर है या इंडोर्सी है वो इंडोर्सर को जो है मतलब लाइबल नहीं ठहरा सकते। उसी तरह देखो जब एक एजेंट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करता है तो अपनी पर्सनल लाइबिलिटी जो है एक्सक्लूड कर सकता है बाय यूजिंग दीज वर्ड्स कि वो जस्ट एक एजेंट है। उसी तरह जैसे डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पे करते हैं तो कंपनी के एजेंट्स होते हैं। और उसी तरह देखो जो फैकुलेटिव इंडोर्समेंट है, यहाँ पे जो इंडोर्समेंट है जहाँ पे इंडोर्सर जो है या तो अपनी लाइबिलिटी को एक्सटेंड करता है या अपने कुछ राइट्स जो हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर छोड़ देता है, तो इसको हम फैकुलेटिव इंडोर्समेंट कहते हैं। पे ए और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव, तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर डिसऑनर हो जाता है तो मुझे नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, बट वो यहाँ पे लाइबल होता है पेमेंट के लिए, सिर्फ अपना नोटिस ऑफ डिसऑनर का जो राइट है उसको वेव करता है। उसी तरह सैन फ्रेज इंडोर्समेंट, जिसके अंदर जो इंडोर्सर होता है डज नॉट वॉन्ट द इंडोर्सी और एनी सब्सिक्वेंट होल्डर टू इनकर एनी एक्सपेंस ऑन हिज अकाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, तो हम इसको कहते हैं कि ये सैन फ्रेज जो है इंडोर्समेंट है। और उसी तरह लाइबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन द कंटीजेंसी,
तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो तभी अगर होती है जब एक स्पेसिफिक इवेंट जो है अगर करता है पे ए और ऑर्डर ऑन द अराइवल ऑफ शिप गंगा, अगर गंगा जो शिप है वो पहुँचेगा तभी ए को भुगतान करना है या ए के मुताबिक किसी और व्यक्ति को। अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो लाइबिलिटी ऑफ द इंडोर्सर भी ख़त्म हो जाती है और इंडोर्सी को कोई टाइटल नहीं मिलता और वो इंडोर्सर को स्यू नहीं कर सकता, बट वो प्रायर पार्टी को बिफोर हैपनिंग ऑफ द इवेंट जो है स्यू कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जो इंडोर्समेंट है इसका इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, जब इंडोर्समेंट होती है तो जो प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट है वो इंडोर्सर से इंडोर्सी को ट्रांसफ़र हो जाती है और वहाँ पे इंडोर्सी के पास राइट आ जाता है, उसको फर्दर नेगोशिएट कर सकता है। और उसी तरह क्या है कि अगर उसको भुगतान नहीं होता तो वो उसके पास राइट टू स्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, वो अपने नाम से दूसरों को स्यू कर सकते हैं ऑल अदर पार्टीज। उसी तरह हम देखते हैं कैंसलेशन ऑफ द इंडोर्समेंट। अब देखो यहाँ पे अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर है और जो इंडोर्सर की कंसेंट के बिना जो है, जो इंडोर्सर की रेमेडी अगेंस्ट प्रायर पार्टी है उसको ख़त्म करता है या डिस्ट्रॉय करता है, तो इंडोर्सर जो है वो जो है जितनी उसने मतलब लाइबिलिटी से मुक्त हो जाता है। होल्डर विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडोर्सर डिस्ट्रॉय द इंडोर्सर्स रेमेडी अगेंस्ट द प्रायर पार्टी, द इंडोर्सर जो होता है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। उसी तरह वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नेगोशिएशन बैग। देखो नेगोशिएशन बैग जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो इंडोर्सी होता है इंस्ट्रूमेंट उसी के पास ही वापस आ जाता है, उसी के राइट के अंदर। जैसे ए जो है बी को इंडोर्स करता है, बी सी को करता है और सी जो है डी को करता है और डी जो है ए को करता है। तो अब देखो यहाँ पे ए जो है अगेन उसका उसके पास ही वो वापस आ जाता है। ए इंडोर्सेस टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। ए बीइंग द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द बिल कैन रिकवर द अमाउंट जो है बी सी और डी से, जबकि वो प्रायर पार्टी थी तो यहाँ पे वो भी जो है लायबल है टू ऑल ऑफ देम। तो इसलिए क्या है कि ए जो है उसको ओरिजिनल पोजीशन आ गई क्योंकि वो वापस उसका होल्डर बन गया, वो दूसरी पार्टी को स्यू नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर बहुत मल्टीपल एक्शंस हो जाएंगे। ए जो है वो बिल को दोबारा नेगोशिएट कर सकता है इफ़ ही कैंसल और स्ट्राइक्स ऑफ द इंडोर्समेंट ऑफ बी सी एंड डी, और ये जो ट्रांजेक्शन है इसको हम टेकिंग ऑफ द बिल कहते हैं।